सब्सक्राइब कीजिए टेक्स्टूम चैनल को और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। हेलो गाइस, दिस इज शुभम देव एंड यू आर वाचिंग टेक्स्टूम। तो इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग कोई फोटोग्राफर में स्किल है किसी के पास और कोई वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे मेरी तरह, या फिर किसी को बहुत शौक़ है फोटोग्राफी का और उन लोगों के पास अच्छा अच्छा कैमरास नहीं है, DSLRs नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि जस्ट मेरे पास जो है उसी से अच्छे से एक फ़ोटो ले लूँ और उसी से अच्छा अच्छा मैं फ़ोटो लूँ, और इसीलिए आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसी के कैमरा आप लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोग जैसे पता है कि मोबाइल फ़ोन के कैमरे में बहुत लिमिटेड फीचर्स होते हैं। ये है मोबाइल फ़ोन का कैमरा, आप लोग जैसे देख रहे हैं स्क्रीन में, इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मोड्स में आप लोग जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ मिलेगा आप लोगों को कैमरा साउंड वगैरह, कैमरा फ्रेम 6:9, कैमरा क्वालिटी हाई वी और एंटी बेंडिंग, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, शार्पनेस ख़त्म, और यहाँ पे कुछ नहीं है। इतने से ही आप लोगों को लेने पड़ेगा फ़ोटो, जो भी आप लोग फ़ोटोज़ लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे टैप करके आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, उससे ब्राइटनेस थोड़ा ऊपर जाएगा, ब्राइटनेस थोड़ा नीचे जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और HDR मोड है, आप लोग ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते, हो गया। लेकिन मैं आज एक ऐसा ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप कोई भी फ़ोटो लेंगे तो उसमें आप लोग रिच सेटिंग आप लोगों को मिलेगा कि आप लोग कुछ भी DSLR जैसे कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी DSLR जैसे, जैसे आप लोग DSLR में ISO कमाते हैं, शटर साउंड बढ़ाते हैं, उसके बाद एक्सपोजर को नीचे नमाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, सब कुछ उस ऐप में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो ऐप क्या है। तो जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आप जाके सर्च कीजिए ओपन कैमरा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओपन कैमरा जो आएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओपन कैमरा ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए 10 मिलियन डाउनलोड्स है, 4.3 स्टार रेटिंग है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। मैं डाउनलोड कर लिया, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए उसके इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, आप लोगों को अगर चेक करना है इसमें क्या क्या फीचर्स है, तो चलिए मैं इसके सेटिंग में आप लोगों को लेके जाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये डॉट है, ये डॉट को जूम इन जूम आउट में यूज़ होते हैं। इसमें एंगल भी दिखाते हैं कितना एंगल में आपका मोबाइल है, अभी कैमरा कितना एंगल में है। और ऊपर से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कैमरा और वीडियो का मोड। यहाँ पे आप लोग टैप करेंगे दो नंबर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो मोड में आ जाएगा। उसके बाद जो ये प्लस माइनस का सिंबल है, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्लस और माइनस का सिंबल है, इसको आप टैप करेंगे। यहाँ पे ये एक्सपोजर कंपोजिशन डार्क ब्राइट, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको घटा भी सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कैमरे में बहुत ही अच्छा है। उसका जितना चाहिए आपको उतना रखिए। रखने के बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, वहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो एक्सपोजर लॉक हो जाएगा, उसके बाद कमेगा नहीं घटेगा नहीं, मतलब ऐसे कुछ नहीं होगा, ऑन करके होगा लेकिन अपने आप नहीं होगा। तो उसके बाद ये लॉक हो गया, उसको चलते हैं इस जो थ्री डॉट से इसमें चलते हैं। यहाँ पे जाके देखेंगे कि आप लोग यहाँ पे ऑटो फ्लैश है, उसके बाद यहाँ पे है बल्ब, मतलब आप अगर ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो टॉर्च है आप लोगों का पीछे वाला वो ऑन हो जाता है, आप देख सकते हैं। फिर से आपको ऑफ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को बहुत सारा फीचर्स, और नीचे ये देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे मिलता है ISO, जो DSLR में मिलता है ऐसा ही मिलता है। जितना बढ़ाएंगे उतना लो लाइट इमेज में अच्छा फोटोज़ क्लिक करेगा, अच्छा वीडियो क्लिक करेगा। लेकिन अगर आप लोग वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो याद रखिए कि
जितना लो ISO बढ़ाएंगे उतना नॉइस ये पकड़ लेगा, तो ये आपको देखना है। फोटो मोड में स्टैंडर्ड है, DRO है, HDR है और एक्सपोनेंशियल है। अगर HDR दे दिया, ओके कर दीजिए, तो फोटोज़ तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन आप लोग को ख्याल रखना है कि HDR में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप लोग फोटो में नहीं चाहते, वो भी आ जाते हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। वहाँ पर अगर ऑटो लेवल देते हैं तो आप लोग ऑटो लेवल हो जाएगा और कुछ काम करने का ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। अगर आप लोग मैन्युअली सेट करना चाहते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मैन्युअली सेट करें, तो फिर ऑटो लेवल को हटाइए, खुद से रेजोल्यूशन, कैमरा, वीडियो रेजोल्यूशन, ये सब कुछ सेट कीजिए, वाइट बैलेंस, स्किन मोड, कलर इफेक्ट, सब कुछ सेट कीजिए, उसके बाद फोटो लीजिए तो बेहतरीन फोटो आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस जगह को अगर करता हूँ और इसमें बहुत ही अच्छा फोटो आएगा। यहाँ पे जूम आउट, जूम इन का भी बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है क्योंकि मैंने ISO 3200 में लेके चला गया। अगर और HDR में है, अगर मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग दिखाते हैं कि सेटिंग्स में क्या है इस ऐप का। ओपन कैमरा नाम है ऐप का, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फेस डिटेक्शन, मतलब अगर किसी को फेस की तरफ, मतलब पकड़ लीजिए आप कैमरा को एक ट्राइपॉड में लगा के सामने बैठे हुए हैं, और फेस डिटेक्शन आप लोग अगर ऑन करके रखे हैं तो वो आपके फेस को ही फोकस करेगा और बाकी जगह को नहीं करेगा। और बाकी अगर आप लोग सीनारीज का ले रहे हैं तो ये फेस डिटेक्शन ऑफ करके आप लोग काम चला सकते हैं। टाइमर है, ब्रस्ट है, उसके बाद फोटो सेटिंग है। फोटो सेटिंग में देख लेते हैं, यहाँ पे है सेव ऑल इमेजेस इन HDR मोड, इमेज क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी आप लोगों को कैसा चाहिए आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है स्टैम्प फोटो, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, डाटा स्टैम्प फॉर्मेट, GPS स्टैम्प फॉर्मेट, कस्टम टेक्स्ट, फ्रंट साइज, फ्रंट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, सब कुछ है, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं वीडियो सेटिंग। वीडियो सेटिंग में मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, वीडियो रेट, फ्रेम रेट, बिट रेट, रिस्टार्ट मैक्सिमम फाइल साइज, रिकॉर्ड ऑडियो, ऑडियो सोर्स, ऑडियो चैनल, आप लोग क्या करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे बता दीजिए, वो लोग ऐसे करेगा जैसे आप लोग सेटिंग में जाते हैं। और बहुत सारा सेटिंग है, आप लोग अच्छे से कीजिए। अगर जितना ये फोटो और वीडियो अच्छा ला सकता है उससे बुरा भी ला सकता है, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। और प्लीज़, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं और आप लोग ये वीडियो अब तक देख ही लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपडेटेड रहिए मेरे साथ। तो कीप देन, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।